10 दिन की जगह 8 दिन में पूरा होगा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। 5 और 6 जुलाई को खड़गपुर डिवीजन में 133 लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिर से संशोधित खड़गपुर डिवीजन अधिसूचना या दिशा निर्देश। 24 जून को खबर आई थी कि अंदुल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 29 जून से 8 जुलाई तक 300 से अधिक लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें, 237 लोकल और 32 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। अंत में खड़गपुर मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे यात्री हित में थोड़ा पीछे आ गया। शुक्रवार सुबह की अधिसूचना में बताया गया कि काम 8 जुलाई नहीं बल्कि 6 जुलाई को पूरा होगा, क्योंकि 7 जुलाई को रथ यात्रा है। उस दिन यात्रियों का दबाव काफी अधिक होता है, इसलिए दक्षिण पूर्व रेलवे यानी खड़गपुर डिवीजन ने लगातार 10 दिनों के बजाय 8 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया है। संयोग से दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर डिवीजन में अंदुल से संतरागाछी तक फ्लाईओवर के अंतिम चरण के साथ साथ नॉन इंटरलॉकिंग कार्य भी जारी रहेगा। कल यानी 29 जून से 6 जुलाई तक लगातार 8 दिनों तक ये काम मुख्य रूप से अंदुल स्टेशन पर चलेगा, और इसलिए खड़गपुर डिवीजन में 202 लोकल ट्रेनें और 7 जोड़ी एक्सप्रेस या मेल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। खड़गपुर मंडल के अंतर्गत हावड़ा मेदिनापुर, हावड़ा अमता, हावड़ा हल्दिया खड़गपुर और दीघा खड़गपुर हावड़ा लाइनों पर कुल 202 लोकल ट्रेनें अगले 8 दिनों तक रद्द रहेंगी। साथ ही हावड़ा दीघा हावड़ा ताम्रलिप्ता एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस समेत कुल 7 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें 29 जून से 6 जुलाई के बीच विभिन्न दिनों में रद्द की जा रही है। वही 5 जोड़ी ट्रेनों का रूट रोटेट किया जा रहा है, यानी इन्हें मंडल में चलाया जाएगा। खड़गपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम आलोक कृष्णा ने शुक्रवार 28 जून को कहा कि 20 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है और 3 जोड़ी ट्रेनों के रूट को छोटा किया जा रहा है। इस संबंध में खड़गपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम आलोक कृष्णा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। खड़गपुर डिवीजन और साउथ ईस्टर्न रेलवे शालीमार और संतरागाछी, ये 2 स्टेशन है जिसको मेजर कोचिंग टर्मिनल के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। उसी क्रम में ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए अंडूल संतरेल से अंडूल संतरागाछी तक हमने एक फ्लाईओवर बनाया है। उसी फ्लाईओवर की कमिश्निंग के सिलसिले में अंडूल एनआई जो कि 29 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख तक चलेगा, इसमें कुछ ट्रेन को कैंसिल किया गया है, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो मेन अभी हम लोग पहले सबर्बन ट्रेन की बात करते हैं, हम लोग डेली 170 सबर्बन ट्रेन खड़गपुर डिवीजन में चलाते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, कुछ आमता तरफ, कुछ मिदनापुर खड़गपुर, कुछ हल्दिया और कुछ दीघा। तो 170 में से जो मेन कैंसिलेशंस होगी वो 7वें और 8वें दिन यानी कि 5 और 6 तारीख को होगी। डे 1 से डे 6 तक लगभग कुछ दिन 2 पेयर्स, कुछ दिन 4 से 8 पेयर्स तक कैंसिल रहेगी। टोटल हम लोग 85 पेयर्स चलाते हैं, तो इसमें पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेन में थोड़ा सा क्राउडिंग बढ़ जाए, बट इसमें बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगा। डे 7 और डे 8 में टोटल, डे 7 यानी कि 5 तारीख को 62 ट्रेन कैंसिल रहेगी और 5 के रात से लेकर 6 को 71 ट्रेन कैंसिल रहेगी। लेकिन फिर भी 62 ट्रेन कैंसिल रहने के बावजूद भी अगर 170 ट्रेन तो 108 ट्रेन फिर भी चलेगी, और हमने ऐसा ध्यान रखा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की सारी ट्रेन कैंसिल ना हो जाए, गैप में हमने कैंसिल किया। जैसे मिदनापुर डायरेक्शन का ट्रेन है तो हमने अल्टरनेट ट्रेन कैंसिल किया है, उसी तरह खड़गपुर का ट्रेन है तो अल्टरनेट करके कैंसिल किया है। सब डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ट्रेन चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि 2 दिनों सिर्फ 5 और 6 तारीख को लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो कि ट्रेन में ओवर क्राउडिंग हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है, जिसमें मुख्य है हमारा ताम्रलिप्ता जो दीघा जाती है वो 30 तारीख से 2 तारीख तक और 6 तारीख को कैंसिल रहेगी। बरवेल जनशताब्दी भी इसी दौरान कैंसिल है, और एक 1283 जो पुरिया जाती है वो भी इस दिनों कैंसिल रहेगी। इसके अलावा 5 और 6 तारीख को इस्पात समलेश्वरी और जो हावड़ा CKP एक्सप्रेस है ये कैंसिल रहेगी। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ट्रेन नहीं है, ये बाघा जतिन पैसेंजर जो है वो खड़गपुर से खुलेगी 6 तारीख को, हावड़ा आद्रा शिरोमणि जो है 6 तारीख को खड़गपुर से खुलेगी और खड़गपुर तक ही आएगी,
और शालीमार भंजपुर शालीमार जो ट्रेन है जो मांगरी कोसी भंजपुर से आती है वो ट्रेन खड़गपुर से खुलेगी 6 तारीख। यात्रियों से मेरा अनुरोध यही है कि वो जो भी हमने स्पेशल आरपीएफ का अरेंजमेंट किया है, जीआरपी ने भी अरेंजमेंट किया है, जो भीड़ बढ़ेगी क्योंकि ट्रेन कुछ कैंसिल हैं 6 और 7 तारीख को मुख्य रूप से, उसमें पैसेंजर्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए और वो ट्रेन को ट्रेन में वो शांतिपूर्ण तरीके से चलें इसके लिए स्पेशली हमने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है।